नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के कैसरबाग के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में, जिसका उद्धार जो हुआ था, जो कि बनाया गया था 1963 में, यानी आज से करीब 60 साल पहले। और इस मंदिर की भव्यता है, अपने कुछ इतिहास हैं, अपना कुछ पुरातत्व है, वो सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं नवरात्रि के अवसर पर। यहाँ पर इससे पहले हमारी संवाददाता पलक त्रिवेदी आई हुई थी, उन्होंने आपको दिखाया सारी चीज़ें। हालांकि अब हम दोबारा से आए हैं और आपको जानेंगे, बताएंगे पंडित जी से जो भी इस मंदिर का इतिहास होगा, जो भी पुरातत्व होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी इस मंदिर से जुड़ी हुई, उनके दर्शन कराएंगे, आपको सारी के सारे विजुअल्स दिखाएंगे। भक्तों की अपनी क्या आस्थाएँ हैं, क्या श्रद्धा है, क्या श्रद्धा लेकर वो आते हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको, उनसे बात कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, जो भी हमारे भक्तगण हैं उनसे फिलहाल बात करते हैं पहले, उसके बाद से जो यहाँ के पुजारी होंगे, महंत होंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कह रहे हैं। क्या नाम है दादा? मुकेश दीक्षित। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से ही हैं। किस तरह का वातावरण लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है? शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा का दिन है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ मंदिर में माता के विग्रह को देखने की मान मिलती है। हम लोग यहाँ के नित्य आने वाले भक्त हैं, सालों साल से आ रहे हैं और माता की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा आप बता रहे कि आप लगातार आते जा रहे हैं, नित्य आ रहे हैं यहाँ के मंदिर में सालों साल से, तो थोड़ा कैसा रहता है वातावरण यहाँ पर नॉर्मल में और जब नवरात्र होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? नवरात्र में पूजा पाठ होने के नाते वैसे तो हम परमानेंट यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहती है, लेकिन नवरात्रों में विशेष कृपा माँ की होती है जिससे हम लोग उसका फल प्राप्त करते हैं। भक्तों के आने जाने का कितना वो रहता है कि नॉर्मल कितने भक्त आ रहे होते हैं और फिर जब नवरात्रि का समय होता है तो किस तरह की भीड़ होती है? में थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है, जैसे अभी 2-3 दिन बाद बंगाली समुदाय के लोगों का बहुत ही आवागमन हो जाएगा, ये उनका माँ का प्रतिष्ठित मंदिर है। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए TV24 से। तो आपने देखा कि भक्तों ने बताया किस तरीके से कि यहाँ से जो बंगाली के लोग होते हैं, बंगाल से लोग होते हैं, वो भी इस मंदिर में आते हैं और उनका आवागमन लगातार बढ़ जाता है। बाकी देखते और लोगों से आपको बात कराते हैं। कहाँ से आए? हम नीलमथा से आए हैं। इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? लगभग 1.5 साल से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है और किस तरह से भक्त का आवागमन रहता है, और इस मंदिर में हम जब नवरात्र के समय पे और आम तौर पर देखते हैं तो कितना भीड़ रहता है? वो आम तौर पर तो बहुत ही कम ही लोग आते हैं सुबह सुबह, नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी जो भीड़ हमें नज़र आ रही, इससे और ज़्यादा भीड़ लगने की संभावना है? इससे ज़्यादा भीड़ होती है, नवरात्र में तो बहुत ही भीड़ होती है। बाकी मंदिर के वातावरण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं? हर मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, यहाँ भी उसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी है। जो मंदिर जितना पुराना हो उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि इसी मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी माता की मंदिर हो उसमें सभी जगह पॉजिटिव एनर्जी होती है। धन्यवाद से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मीनू सिंह। आप भी कब से आ रही हैं? आप भी 1.5 साल से? 1.5 साल से। थोड़ा सा बताएंगे मंदिर के बारे में, आपका अनुभव कैसा रहा? और बहुत अच्छा है। और अभी नवरात्रि के समय पे कैसा वातावरण रहता है? ठीक है पूरी। तो आपने देखा कि यहाँ पर भक्तों के अपने अपने अनुभव हैं, लगातार बहुत बढ़िया वातावरण रहता है और जिस तरह की पॉजिटिव एनर्जी की हम बात करते हैं वो आपको किसी भी मंदिर में नज़र आती है, वो हम सब ने देखा है। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 161 साल से ऊपर पुराना मंदिर है ये, और ये जो माता की मूर्ति है ये तब से यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। जय माता दी। थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएंगे, इसकी अपनी क्या विशेषता है और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया? ये मंदिर का विशेषता है, सबसे पहले ये पंचमुंडी का आसन है, इस पंचमुंडी आसन में माँ विराजमान है। आज से 161 साल पहले मधुसूदन मुखोपाध्याय नाम एक साधक थे, वो इस सपने में इस माँ के रूप को दिखाई दिया। थोड़ा सा माँ के रूप जो है अलग है, क्योंकि काली जी का जो रूप होता है इस मंदिर का उस रूप थोड़ा डिफरेंट अलग। तो इस पंचमुंडी के आसन के ऊपर माँ विराजमान है, तो यही विशेषता सबसे बड़ा बात ये है। और ये जो देख रहे हैं ये माता की मूर्ति है, क्योंकि इस जो मूर्ति उस 161 साल पहले प्रतिष्ठा हुआ वही मूर्ति आज माँ हमारे आपके सामने सबके सामने विराजमान है। बाकी नवरात्रि को लेकर हाँ हमारे दर्शकों क्या बताना चाहेंगे? शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन यानी माता चंद्रघंटा का दिन है। हाँ, नवरात्र का 9 दिन हम लोग मानते हैं हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार, मार्कंड पुराण में है, प्रथमम शैलपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मंडेति चतुर्थकम। तो आज जो है तीसरा दिन है, माँ का पूजा हो रहा है और
ये हमारे जो कलश देख रहे हैं, जब माँ मूर्ति माँ काली अपने रूप से भी यहाँ विराजमान है, तो इसीलिए कोई अलग से मूर्ति नहीं बिठाया जाता है। हम लोग कलश में पूजा करते हैं, भक्त लोग आते हैं अपने मनोकामना लेके माँ के पास, माँ इस भक्तों का मनोकामना पूरा करते हैं, हम भी माँ से वो प्रार्थना करते हैं कि सब भक्तों का मनोकामना पूरा करें। धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि करीब 160 साल पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पर जो मूर्ति है ये इस जो मूर्ति आज 160 साल पहले स्थापित थी वही मूर्ति आज स्थापित है आप देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि काली माँ की मूर्ति जो आम तौर पर आप देखते हैं उससे थोड़ी सी भिन्न नज़र आती है, ये उससे थोड़ी सी अलग नज़र आती है। और वो अपने आपको विजुअल में दिखाया भी कि किस तरह से इस मंदिर की विशेषता क्या है, इतिहास क्या कहता है कि किस तरह से 160 साल पुराना मंदिर है, और इस जो मूर्ति है मंदिर की ये यहीं पर यहाँ पर प्रकट हुई थी और उसके बाद से ये मंदिर यहीं पर स्थापित है 160 साल से पहले से, यानी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ का। तो बताइएगा ज़रूर अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और जय माता दी देखना बिल्कुल ना भूले कमेंट में। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर भक्तों ने अपने अनुभव बताए, कुछ भक्त हैं जो लगातार नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं, 1.5 सालों से आ रहे हैं, वो भी आपने बताया। पंडित जी के अनुभव सुने आपने किस तरह से उन्होंने बताया कि 160 साल से ऊपर यानी 160 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है ये, और जो माता जी की मूर्ति है ये उस समय स्थापित हुई थी, उस समय प्रकट हुई थी, और तब से ही ये मंदिर ये जो मूर्ति है इसी मंदिर में स्थापित है, और इसके इतिहास को आपने जाना किस तरह से। और साथ में पंडित जी ने यह भी बताया कि बाकी जो काली माता की मूर्तियाँ देखते हैं आमतौर पर आपको भिन्न नज़र आती हैं, लेकिन ये जो मूर्ति थी थोड़ी सी आपको काली माता की जो मूर्तियाँ होती हैं उससे थोड़ी सी अलग नज़र आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस प्रसिद्ध मंदिर में देखने को मिली जो कि करीब 150 से ज़्यादा साल पुराना है यहाँ पर, जो कि लखनऊ के कैसर बाग में स्थित है। तो ये हमारी जो एक प्रचलन चल रहा है, हमारी प्रक्रिया चल रही है आपको लगातार 4 दिन नवरात्रि में अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराने के, अलग अलग मंदिरों का इतिहास बताने के, उसमें जुड़े रहिए, आपको अलग अलग और भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे इस पूरे नवरात्र में। मैं गौरव मिश्रा, TV24 नेटवर्क, कैमरामैन राकेश के साथ, धन्यवाद।